पूरी दुनिया एक बार फिर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रही है, लेकिन 2020 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो पिछले योग दिवसों से थोड़ा अलग होगा, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना महामारी की वजह से स्वास्थ्य जगत को लेकर एक बड़े थ्रेट में है। योग को लेकर बहुत कुछ पूरे देश और दुनिया में चर्चा हो रही है, क्योंकि योग इसका एक बहुत बड़ा निवारक के रूप में देखा जा रहा है। योग और क्रिया योग क्या कुछ है, योग सत्र में आज हम जानेंगे। और हमारे साथ एक ऐसे खास मेहमान है जो योग की दुनिया में आने से पहले या योग की शुरुआत करने से पहले एक चिकित्सक भी रहे हैं और उनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है। करीब 30 सालों से वो योगदा आश्रम से जुड़े हुए हैं। तो स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ चर्चा के लिए। नमस्कार। तो स्वामी जी से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना महामारी का जो एक थ्रेट हमारे सामने पूरी दुनिया के सामने जो खड़ा हुआ है, वैसे में योग कितना कारगर है और योग के लेकर जो पूरे देश और दुनिया में चर्चा हो रही है उसके क्या कुछ मायने हैं। स्वामी जी, ये बात सही है कि ये कोरोना को लेकर अभी पूरा संसार जो है वो परेशान है, और कोरोना महामारी से हमारी जो जीवन शैली है और जीने की विधि है उसमें बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। हर एक व्यक्ति को तरह तरह के समझौते करने पड़ रहे हैं। कई लोगों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी परिवर्तन आया है, तो ये कह सकते हैं एक बहुत बड़ी विपदा हमारे सामने है। लेकिन देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि हम इस विपदा से जूझ नहीं सकते या इसको हम जीत नहीं सकते। विज्ञान तो अपने स्तर पर काम कर ही रहा है, इसका वैक्सीन वगैरह खोजा जा रहा है, लेकिन जब तक वो हमें उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक हम क्या कर सकते हैं। एक चीज़ हमें याद रखना है कि फिलहाल इस कोरोना वायरस के विरुद्ध हमारे पास कोई हथियार नहीं है कहने के लिए, लेकिन ये पूरा सत्य भी नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ा हथियार जो हर एक व्यक्ति को भगवान ने दिया है वो है हर एक व्यक्ति के शरीर में जो इम्यून सिस्टम है, प्रतिरोधक तंत्र है, वो हम सब के शरीर पर एक कवच है, या ये कि ये कवच भीतर है। तो इस प्रतिरोधक तंत्र के द्वारा हम हर तरह के कीटाणुओं से, हर तरह की बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं और उनसे लड़ सकते हैं। स्वामी जी, आप योग मार्ग में सन्यासी के रूप में आने से पहले एक चिकित्सक भी रहे हैं। तो एक चिकित्सक के लिहाज से, और योग आपका बहुत बड़ा प्रैक्टिस है, क्रिया योग से आप लगभग 30 सालों से अपने आप को जुड़े हुए हैं, तो क्या कुछ इसके मायने और कितना हितकारी ये हो सकता है? ये मैं बता रहा था कि ये जो इम्यून सिस्टम है, इस आजकल विज्ञान ये बताता है कि इसका सीधा जो कनेक्शन है, संबंध है, वो हमारे मन के साथ है, हमारे विचारों के साथ है। तो जो आधुनिक शोध हुआ है उस शोध कार्य से हमें पता लगता है कि जिस व्यक्ति का मन सकारात्मक है, जिस व्यक्ति का मन स्ट्रांग है, उसमें उसका जो प्रतिरोधक तंत्र है वो प्रबल रहता है और वो बीमारियों से अधिक कारगर रूप से लड़ सकता है। और योग का जो रोल है, योग की जो भूमिका है, यहीं पे है। योग अभ्यास से प्रत्येक व्यक्ति अपने मन को बहुत सशक्त बना सकता है, अपने विचारों को हर परिस्थिति में सकारात्मक बना सकता है। इस तरह से योग के अभ्यास द्वारा, योग के प्रयोग द्वारा हर एक व्यक्ति अपने अंदर उस कवच को और सशक्त बना सकता है, जिससे हम इस महामारी से लड़ सकते हैं। एक चीज़ और स्वामी जी, कहा जाता है कि जो कोरोना महामारी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में योग बहुत कारगर साबित होता है, वैसे में आपके जो अपने एक्सपीरियंस है, जिस आधार पे हम कह रहे हैं कि योग को लेकर पूरे देश और दुनिया में चर्चा हो रही है, आयुर्वेद मंत्रालय की ओर से भी लगातार सजेशन दिए जा रहे हैं कि लोग अपने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में और एकाग्रता को बढ़ाने में इसका सहयोग ले सकते हैं। एक चीज़ और है कि लोग कोरोना की वजह से एक डर भी पैदा हुआ है लोगों के मन में, लोग घरों में कैद हैं, ऐसे में लोग मानसिक तनाव में भी हैं, तो क्या योग और क्रिया योग से उसकी राह कोई दिखती है? बिल्कुल, देखिए योग साधना का जो उद्देश्य है वो ना केवल शारीरिक स्वास्थ्य है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी है। और मानसिक स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? मानसिक स्वास्थ्य यानी एक व्यक्ति हमेशा प्रफुल्ल रहता है, आनंद में रहता है, सकारात्मक रहता है, विपत्तियों के सामने हार नहीं मानता, ये है मानसिक स्वास्थ्य। तो योग जो प्रक्रिया है उससे हम, यह योग साधना खासकर जो ध्यान योग है, इससे हम ये योग्यता प्राप्त कर लेते हैं कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं और हर परिस्थिति में हम अपने आप को शांत
और तटस्थ रहना सीखते हैं। और आज, और एक और बात है, लोग घर में बंद होकर परेशान क्यों हैं? क्योंकि अभी तक हम अपने मनोरंजन के लिए बाहरी साधनों पर निर्भर करने के आदि हो गए हैं। इसलिए जब वो बाहरी जो साधन है, मनोरंजन के जो साधन हैं, वो हमें मिल नहीं रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि अरे जीवन का इस तरह से जीवन जीने का क्या फायदा। लेकिन योगाभ्यास द्वारा हर व्यक्ति वही मनोरंजन या उससे भी अधिक एक अद्भुत आनंद अपने मन में ध्यान के अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकता है। और जब वो आनंद व्यक्ति अनुभव करता है, तब उसका उसका जो आंतरिक आनंद है वो बाहरी साधनों पर निर्भर नहीं करता, और वो देखता है कि चाहे उसे बाहरी मनोरंजन के साधन मिले या ना मिले, वो हमेशा आंतरिक रूप से संतुष्ट रहता है और प्रफुल्ल रहता है। परमहंस योगानंद जी ने अपने जो उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है उसमें भी उन्होंने जिक्र किया है कि खान पान जो आदमी का होता है, इम्यूनिटी सिस्टम, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। और कोरोना का जब डर पैदा हो रखा है लोगों के मन में, तो ऐसे में आप क्या एक मैसेज देंगे कि लोग खान पान का अपना क्या तरीका बदलें, या खान पान को किस तरीके से और अपने हैबिट में शामिल करें, और वो कितना कारगर है इससे लड़ने में? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो खुराक है, डाइट है, खान पान, इसका सीधा असर न केवल हमारे मन शरीर पे पड़ता है बल्कि हमारे मन पर भी पड़ता है। योगियों का ये कहना है, और आजकल विज्ञान का शोध कार्य भी बताता है, कि अगर हम अपनी खुराक में, अपने खान पान में जो ताज़े फल हैं और कच्ची सब्जियां हैं या हल्की उबली हुई सब्जियां हैं, उनको अधिक मात्रा में उसका सेवन करते हैं, उन्हें शामिल करते हैं अपनी खुराक में, तो उससे हमारा हमारा जो स्वास्थ्य है, शारीरिक स्वास्थ्य, उसमें तो वृद्धि आती है, साथ साथ हमारा मन भी अधिक शांत और संतुष्ट बन जाता है। तो इसलिए खान पान में जो आजकल खासकर कोरोना की वजह से जो हम घर में बंद हैं, एक तरह से ये एक प्रलोभन हो सकता है कि भाई बहुत जायकेदार चीज़ें, मसालेदार चीज़ें जो जीभ के लिए अच्छी हैं वो बना बना के खाएं, तो ये इससे हम अपने आप को हानि पहुंचा रहे हैं। तो इसमें हमें ये विवेक का प्रयोग करना है, और योगियों का कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा ताज़े फल, कच्ची सब्जियां या उबली हुई सब्जियां खाएं, और शाकाहारी भोजन का अपना एक महत्व है, तो ये मांस वगैरह का सेवन कम करेंगे तो देखेंगे कि उनका ओवरऑल जो हेल्थ है, शारीरिक और मानसिक, उसमें बहुत वृद्धि होगी। तो ओवरऑल जो शारीरिक और मानसिक हेल्थ है उसमें बहुत बड़ा इजाफा होगा लोग अगर खान पान और अपने दिनचर्या। एक चीज़ और स्वामी जी, जो लोगों के मन में कोरोना संक्रमण की वजह से लोगों का दिनचर्या बदल गया है, हम पहले बात कर ही रहे थे कि लोग अवसाद में हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो वैसे में लोगों को अपने दिनचर्या को किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, कुछ टिप्स? यहाँ पे आत्मानुशासन का बहुत बड़ा रोल है। अभी तक क्या है कि हमारे पास एक नियमित एक दिनचर्या थी, हम सुबह उठते थे, नाश्ता करते थे, फिर ऑफिस चले जाते थे, ऑफिस से वापस आते थे। तो अभी कुछ कुछ लॉकडाउन तो खुल गया है, लेकिन फिर भी अभी काफ़ी हद तक लोग घरों तक ही सीमित हैं, तो उसमें हो सकता है कि हम ये अपनी अपना जो रूटीन है, दिनचर्या, उसको बिगाड़ लें। यानी जब मन आया तब सो लिए, जब मन आया उठ के हमने टीवी देख लिया या इंटरनेट पे बैठे रहे। तो ये मैंने सुना है काफ़ी युवा पीढ़ी में ये होता है, उनका ना खाने का टाइम सही रहता है, ना सोने का टाइम सही रहता है, पूरा जीवन अस्त व्यस्त रहता है, और ये शरीर पर काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। तो दिनचर्या में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो व्यक्ति नियमित समय से सोता है, नियमित समय पर उठता है, और खाने का समय अपना नियमित रखता है, उसकी आधी बीमारियाँ तो वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं। तो ये अगर नियमितता हम अपने जीवन में ला सकें तो इससे बहुत लाभ होगा। इसके साथ कोरोना की वजह से कई लोगों के पास समय ज़्यादा है, काम कम है, उस समय में केवल टीवी देखकर या बेकार का साहित्य पढ़कर अपना समय बर्बाद करने की जगह पर अगर वो किसी भी तरह का ध्यान का अभ्यास करेंगे तो देखेंगे कि उनके जीवन में एक अद्भुत प्रकार की शांति और आनंद उनके दिल में और जीवन में आ जाएगा। तो ये करके देखने की बात है, तो ये करके देखने की बात है, आजमाने की बात है। और योग और क्रिया योग पर हम स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी से चर्चा कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से लोगों के सामने एक स्वास्थ्य को लेकर थ्रेट
पैदा हो गया है और साथ ही साथ लोग चिंतित हैं, अवसाद ग्रस्त हैं। वैसे में क्या कुछ करना चाहिए वो टिप्स हमें दे रहे हैं ईश्वरानंद गिरी जी, क्योंकि वो एक चिकित्सक भी हैं, तो उस लिहाज से भी हम समझेंगे कि योग के क्या कुछ फायदे हैं, मायने हैं और इसको लोगों को किस तरह से अपने जीवनचर्या में अपनाना चाहिए। रांची के योगदा आश्रम में खड़े हैं और यहीं से योगानंद, स्वामी योगानंद जी ने जो है कह सकते हैं शुरुआत की थी क्रिया योग की, और उसके बाद देश और दुनिया में उसका प्रचार और प्रसार हुआ है। हमारे पीछे ये मंदिर है जहां पर हम अभी चर्चा कर रहे हैं और हम समझने की कोशिश स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी से कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के दौर में योग कितना कारगर है, क्रिया योग कितना कारगर है, क्योंकि लगातार लोग दबाव में हैं और जिस तरह से अभी तक इसके इलाज को लेकर बहुत कारगर उपाय नहीं सामने आए हैं, वैसे में कहा जा रहा है कि योग और क्रिया योग ही सबसे बड़ा सहारा है और इम्यूनिटी को बढ़ाने का जो दौर है वो बहुत बड़ा सहारा है। हम बात कर रहे हैं स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी से। सर, स्वामी जी, किस तरीके से आपको लगता है कि ये जो दौर अभी है, वैसे में लोग तनाव में भी हैं, दबाव में भी हैं, स्वामी जी ने जो बहुत कुछ टिप्स दिए थे उसको लोग अपनाकर इस तरह की चीजों से बच सकते हैं? जी देखिए, ये क्रिया योग जो है ये एक विज्ञान है, एक जीवन शैली है, आध्यात्मिक रूप से जीवन को कैसे जीना है उसका विज्ञान है, और साथ में एक उच्च कोटि के प्राणायाम का नाम भी है क्रिया योग। तो ये क्रिया योग ना केवल कोरोना संक्रमण के समय में लेकिन कभी भी ये मानव जीवन को रूपांतरित करने वाला एक विज्ञान है। तो इससे होता क्या है कि प्राणायाम, जैसे हम कहते हैं प्राणायाम का अर्थ है कि हमारे अंदर जो जीवन शक्ति है या प्राण है उस पर नियंत्रण करना और उसे जो है वापस मस्तिष्क की ओर मोड़कर उस प्राण शक्ति से मस्तिष्क में ऐसे परिवर्तन लाना जिससे हम एक बहुत ही आनंद में जीवन जी सकें। यह है संक्षिप्त में क्रियायोग विज्ञान का जो मूल है। तो अभी अधिकतर लोग जो अवसाद में जा रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, भयभीत हैं, जो एक दहशत से फैली हुई है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण नहीं है, इसलिए हम दूसरों की बातों को सुनकर या आसपास की परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं। लेकिन अगर घबराने से फायदा हो तो घबराना अच्छा है, लेकिन विज्ञान भी बताता है कि भय के कारण, दहशत के कारण हमारे अंदर जो डिफेंस सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, वो और भी कमज़ोर पड़ जाता है। तो ऐसे में हम हमारे अंदर जो भय है उस पर कैसे नियंत्रण करें, जो तनाव है, जो अवसाद है उस पर हम कैसे काबू करें? तो उसका एकमात्र तरीका है कि ऐसा कोई हमारे पास साधन हो जिससे हम अपने विचारों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकें। तो ये क्रिया योग विज्ञान जो है वो अपने मन को नियंत्रित करने का बहुत ही प्रबल तरीका है। इसीलिए वैसे तो हमेशा ही ये लाभदायक है, लेकिन विशेषकर आजकल की परिस्थितियों में क्रिया योग का अभ्यास जो भी करेगा वो देखेगा कि उसके अंदर जो भय है या तनाव है या अवसाद है उस पर वो बहुत जल्दी ही काबू प्राप्त कर सकता है, और विषम परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी वो आंतरिक रूप से बिल्कुल एक सुरक्षा की भावना, ईश्वर के आशीर्वाद के कारण एक सुरक्षा की भावना अपने अंदर अनुभव कर पाएगा। और ये फिर से ये तो अनुभव की बात है जो अभ्यास के द्वारा ही प्रति व्यक्ति स्वयं अनुभव कर पाएगा। स्वामी जी, एक चीज़ और कहा जाता है कि योग अगर आम आदमी है और आप एक योगी हैं, तो वैसे में आम आदमी जो योग करता है उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? योग ठीक है, आप एक साधक के तौर पर भी आप हैं, लोगों को एक बेसिक प्रिंसिपल अगर एडॉप्ट करना है अपने लाइफ में कि जिसके जरिए, जैसा कि हम कह रहे हैं कि योग बहुत ही कारगर हथियार है कोरोना से लड़ने में, या जो मानसिक चिंता हमारी है, अवसाद का जो ये दौर चल रहा है उसमें लोगों से निपटने में, तो वैसे में हम चाहते हैं कि किस तरीके से लोग इसको अपनाएं अपने जीवन में, जो एक आप बता सकें। देखिए, अगर आप पूछ रहे हैं कि योग करने की क्या योग्यता है, एक ही योग्यता है, या ये कह सकते हैं दो बातें होने की आवश्यकता है। एक है उस योग अभ्यास के लिए समय निकालने की आवश्यकता है, और एक जिज्ञासा, एक रुचि होनी चाहिए करने में। तो अगर ये दोनों बातें हैं बस, और किसी योग्यता की आवश्यकता नहीं है। हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, देश का हो, स्त्री हो या पुरुष हो, हर एक व्यक्ति योग का अभ्यास कर सकता है। शुरू में जो हमारे गुरु परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि हमें शुरू करना चाहिए सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा ध्यान के लिए समय निकाल कर,
जब हमें आधे घंटे के लिए ध्यान करने का अभ्यास हो जाएगा और उसमें हमें आनंद आने लगेगा, तो हम अपने आप ही इस समय को आगे बढ़ाएंगे और हमें हम ये बहुत आतुरता से प्रतीक्षा करेंगे कि फिर मैं ध्यान करने कब बैठ सकता हूँ। तो इसलिए यही तरीका है योग में प्रवेश पाने का कि समय देने की आवश्यकता है, कम से कम हाफ एन आवर सुबह और हाफ एन आवर शाम को। तो कम से कम एक घंटा आपको अपने जीवन शैली में योग को अपनाना है और उसके फायदे होंगे, जैसा कि स्वामी जी बता रहे हैं कि किस तरह से आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपको आनंद की अनुभूति हो गई और उसके बाद फिर आप इसके धीरे धीरे जो आदत कहते हैं ना कि आजकल जो माहौल जिसकी चर्चा स्वामी जी पहले भी कर रहे थे कि हम अपने जीवन में बाहरी भागदौड़ भरी दुनिया को अपना लिए हैं, वैसे में अगर अभी हमें घरों में रहना पड़ रहा है तो हम थोड़े से टेंशन में हैं, तनाव में हैं, अवसाद की स्थिति में हैं। स्वामी जी से हम चर्चा कर रहे हैं, स्वामी जी क्योंकि एक चिकित्सक भी रहे हैं तो उस लिहाज से हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि चिकित्सा जगत में भी योग के क्या मायने हो सकते हैं और योग इसको किस तरीके से चिकित्सा विज्ञान भी जो है वो मोहर लगाता है कि नहीं, लोगों के लिए इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए और लोगों के जो मानसिक तनाव है उसको करने के लिए और आत्म जो एक कह सकते हैं कि आत्म स्वतंत्रता और लोगों के अंदर जो एक अनुभूति होती है उसको बढ़ाने में भी योग कारगर है। जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि योग का जो संबंध है वो केवल शरीर से नहीं है। योग विज्ञान ये बताता है कि प्रत्येक व्यक्ति न केवल एक शरीर है बल्कि उसके भीतर रहने वाला मन और उस मन के पीछे आत्मा। तो व्यक्ति की जो चेतना है इन तीनों स्तरों पर काम करती है, आत्मिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर और शारीरिक स्तर पर। और इन तीनों चीज़ों में, शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों में अगर कहीं कोई कमी है, कहीं कोई वीकनेस है, कमजोरी है, तो ये बीमारी के रूप में या अवसाद के रूप में या अज्ञान के रूप में, इस रूप में हमारे जीवन में व्यक्त होता है। तो और इन तीनों चीज़ों में कहीं पर भी कमी हो तो हमारा जीवन परिपूर्ण नहीं होता और हम बीमारी के शिकार होते हैं। तो अगर हमें संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करना है, टोटल हेल्थ जिसे कहते हैं, तो संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए हमें तीनों स्तरों को ठीक करना होगा, अपने शरीर को, मन को और आत्मा को, तीनों को स्वस्थ करने की आवश्यकता है। और योग विज्ञान में हमारे पास शरीर को स्वस्थ करने के लिए कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आसन हैं, योगासन हैं और शक्तिवर्धक व्यायाम हैं। मन को स्वस्थ, प्रफुल्ल और एकाग्र करने के लिए प्राणायाम की विधियां हैं और आत्मा के बारे में अज्ञान को दूर करने के लिए बहुत उच्च कोटि के ध्यान के तरीके हैं। तो क्योंकि ये एक संपूर्ण विज्ञान है जिसमें न केवल कुछ हम गोलियां देकर, दवाई देकर शारीरिक बीमारी को दूर कर रहे हैं, इसलिए योग विज्ञान के नियमित अभ्यास से हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है, यानी बीमारी होने से रोकता है। तो हमें बीमार पड़ने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि अब मैं बीमार पड़ूंगा तब मैं योग अभ्यास करूंगा, उससे बहुत फायदा नहीं होगा। इसलिए जब हम स्वस्थ या जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तभी इसको, योग अभ्यास को अगर हम शुरू करेंगे तो हमारा शारीरिक स्वस्थ ना केवल बना रहेगा, हम दिन ब दिन और स्वस्थ होते जाते हैं, हमारा मन हमारे नियंत्रण में आ जाता है, हमेशा प्रफुल्ल रहता है और धीरे धीरे हमारे अंदर जो आत्मिक गुण हैं, आत्मा के जो गुण हैं, प्रेम, दूसरों के लिए करुणा, दया, सद्भाव, ये सब भी विकसित होते हैं। तो हम एक संपूर्ण मानव बनते हैं जिससे हम अपने आप को भी लाभ पहुंचाते हैं और पूरे समाज के लिए भी हम वरदान बन जाते हैं। स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी ने साफ शब्दों में किस तरह से समझाया कि इसका एक अपना महत्व है और लोगों को इंतजार नहीं करने की जरूरत है कि हम बीमार होंगे तब योग करेंगे, आप जिस दिन से चाहें, अभी से चाहिए तो अभी से योग शुरू कीजिए और उसके फायदे आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा। ये जो दौर पिछले 3-4 महीनों से स्वामी जी चल रहा है, वैसे में एक तरीके से योग सत्र यहाँ जो होता था रेगुलर वो भी बंद हो गया है, लोग नहीं आ पा रहे हैं, तो वैसे में ऑनलाइन सत्र भी चल रहे हैं लोगों के लिए इस आश्रम के जरिए, क्योंकि ये पूरा दुनिया का एक बड़ा केंद्र माना जाता है, यहीं से स्वामी जी ने इसकी शुरुआत की थी, तो वैसे में यहाँ से क्या कुछ सत्र हो रहा है और कैसे लोगों को आप इससे जोड़ पा रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल माध्यम से भी योग का फायदा उठा सकें। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि कैसे हम लोगों से जुड़ रहे हैं। देखिए, जब ये तालाबंदी शुरू हुई तो हमें लगा कि यहाँ पर सब गतिविधियाँ बंद हो गई हैं, तो हमारे जो भक्त लोग हैं उनसे हम कैसे जुड़ के रहेंगे, कैसे उनकी सेवा कर पाएंगे। लेकिन कहते हैं ना कि जब भगवान एक दरवाज़ा बंद करता है तो कई और दरवाजे खोल देता है। तो इसी तरह से अब क्योंकि टेक्नोलॉजी के कारण, अब क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंस का टेक्नोलॉजी है, तो हम इसके प्रयोग से और ही
बृहद रूप से और ही बड़े रूप से हम अपने जो डेवोटीज हैं भक्तों से जुड़ पा रहे हैं। और ये आपको बताकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हम आजकल सप्ताह में कई बार, दिन में 2-3 बार ध्यान सत्र हम आयोजित करते हैं, और पूरे, ना केवल पूरे भारत से बल्कि पूरे विश्व से जो जो योगदा के जो भक्त हैं वे इन ध्यान सत्रों में अपने घर में बैठकर ही इंटरनेट द्वारा और वीडियो द्वारा उसमें शामिल होते हैं। और कई हजारों लोगों जो जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया है, भाग लिया है, उनका ये कहना है कि उन्हें उसी तरह का लाभ हो रहा है, उसी तरह का अनुभव हो रहा है जैसा कि उन्हें आश्रम में आने से होता था। तो कहीं पर कोई कमी उनको महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि वास्तव में ध्यान का जो काम है, ध्यान करने की जो प्रक्रिया है, वो आंतरिक क्रिया है। उसके लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर एक पवित्र स्थान में ध्यान करते हैं तो उससे थोड़ा हो सकता है कि एक्स्ट्रा बेनिफिट हो, लेकिन घर बैठकर ध्यान करने से भी उतना ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मतलब स्वामी जी, हम कहें कि ये जो वक्त रहा, एक चैलेंज का वक्त तो है ही, लेकिन वैसे लोगों के लिए भी ये हितकारी हो गया जो पहले आश्रम नहीं पहुंच पाते थे, कई सारे दरवाजे खुल गए। तो पहले यहाँ आश्रम में केवल 200-300 लोग आ पाते थे, वो भी रविवार को, लेकिन अब दिन में 3-3, 4-4 सत्र, 5-5 सत्र भी हो रहे हैं, और हर सत्र में 2,000 से 2,500 लोग जुड़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका स्कोप कितना बढ़ गया और कितने ज्यादा लोग इससे लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा अभी जैसे आपने कहा कि हर 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ पर एक विशेष कार्यक्रम होता था, अब वो हम कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन कर रहे हैं। और इस बार क्योंकि हमारा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप अमेरिका में जो है, उसका उनकी शताब्दी जयंती चल रही है, तो उस शताब्दी के अवसर पर यहाँ 21 जून को 24 घंटे का ध्यान हो रहा है। तो थ्रू आउट 24 आवर्स, मतलब लगता है कि ये सबसे बड़ा कार्यक्रम, हाँ, सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और इसमें उस 24 घंटे के ध्यान में कोई भी जुड़ सकता है, और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि हजारों लोग इस 24 घंटे के ध्यान सत्र में शामिल होंगे और लाभान्वित होंगे, और उससे जो सकारात्मक स्पंदन, पॉजिटिव वाइब्रेशन उत्पन्न होंगे, वो संपूर्ण विश्व में एक नया प्रकाश फैलाएगा, और इस महामारी से लड़ने के लिए और इस महामारी को दूर करने में ये बहुत बड़ा, एक बड़ी भूमिका निभाएगा ये। तो हम स्वामी जी से जान रहे हैं कि किस तरह से कोरोना संक्रमण काल में योग, क्रिया योग कारगर है, और उसके जरिए हम स्वस्थ रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं, और अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ा सकते हैं। हम बहुत ही खूबसूरत आश्रम में खड़े हैं, योगदा आश्रम का ये हेडक्वार्टर है पूरे देश का, और यहाँ से बहुत सारी गतिविधियाँ चलती है, और क्योंकि लीची पेड़ जो यहाँ का एक, जो कह सकते हैं कि सबसे ऐतिहासिक जगह है, वहाँ पर ले जाने की जरूरत आपको है। हम फिलहाल स्वामी जी के साथ चलते हैं, और आप भी उस लीची पेड़ के दर्शन कीजिए, और आखिरी सवाल स्वामी जी से हम वहीं करेंगे। आपको हम लीची पेड़ तक ले जाएंगे, लेकिन रास्ते में उससे पहले आपको हम ये दिखाते हैं, ये ध्यान मंदिर है, खूबसूरती यहाँ पर सुबह शाम लगातार यहाँ पर क्रिया योग और योग कि जो है कक्षाएं चलती है, लोग यहाँ पहुँचते हैं, और वो हमेशा एक माहौल यहाँ पर जो है शांति का माहौल, अद्भुत दर्शन देखने को मिलता है। लेकिन फिलहाल कोरोना की वजह से यहाँ पर ये जो ध्यान और जो आध्यात्मिक क्लासेस होते थे वो फिलहाल बंद हैं और ऑनलाइन चलते हैं। इसके बाद हम चलते हैं आपको लीची पेड़ के, जहाँ पर कि स्वामी योगानंद जी ने अपनी, जो कह सकते हैं, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहीं से उन्होंने उसके बाद क्रिया योग और योग का प्रचार प्रसार पूरे देश और दुनिया में किया था। तो अभी हम पहुंचे हैं परमहंस योगानंद जी की उस स्मृति स्थल पर जिसे पावन लीची पेड़ कहते हैं। ये पावन लीची पेड़ है, यहीं पर सर्वप्रथम परमहंस योगानंद जी अपने जो शिष्य थे, छात्र छात्राएं थे, उन्हें क्रिया योग और योग की जानकारी देते थे। हम वहां आज बैठे हैं स्वामी ईश्वरानंद गिरी जी के साथ, और उनसे जान रहे हैं कि क्या योग जो है वो क्या सिर्फ एक शारीरिक फिट रखने का तरीका है या उससे ज़्यादा भी कुछ है। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो हर एक व्यक्ति को इसका उत्तर जानने की जरूरत है। योग जो है केवल फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य तो मैं तो कहूँगा उसका एक साइड इफेक्ट है या बाय प्रोडक्ट है। योग साधना का एकमात्र उद्देश्य है ईश्वर की प्राप्ति या मोक्ष की प्राप्ति और ईश्वर की अनुभूति। तो
जो और खासकर क्रिया योग जैसा जो उच्चतर विज्ञान है उसका अभ्यास योगी जन इसलिए करते हैं ताकि वे अपने जीवन को, अपने मन को और अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ सकें और परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके वे अपने शरीर, मन और आत्मा को स्वस्थ रखते हुए समाज की सेवा कर सकें और समाज में ईश्वर का ज्ञान प्रचार प्रसार कर सकें। तो ये है योग विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य। तो योग विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य क्या है ये हम समझ रहे थे स्वामी स्वरानंद जी से। एक आखिरी सवाल आपसे स्वामी जी ये कि किस तरह से लोग अपने इसको दिनचर्या में अपनाएं और ये जो अभी हमारे सामने एक स्वास्थ्य को लेकर पूरे देश और दुनिया के सामने चुनौती पैदा हुआ है उससे हम निपट सकें। देखिए क्रियायोग अभ्यास से पहले तो हम तीनों स्तरों पर शरीर, मन और आत्मा के स्तर पर हम स्वस्थ रहते हैं। दूसरी बात, अगर हमें घर में भी बंद रहना पड़े तो भी हम ऊबते नहीं हैं, हमारा मन फिर हम अपने मन को फिर भी प्रफुल्ल और उत्साह से भरपूर रख सकते हैं और इस तरह से हम अपने आप को भी सुरक्षित रख पाएंगे और दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हम और हमारे विचार सकारात्मक हो जाते हैं, हम अपने मन को ईश्वर के साथ जोड़ते हैं तो हमारे मन से, हमारे व्यक्तित्व से जो स्पंदन निकलते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलते हैं, उससे भी इस ये जो अभी जो अंधकार की जो स्थिति है, अंधकार का समय जिससे मानव गुजर रहा है, इसमें भी उजाला होगा। और इस महामारी को दूर करने के लिए अगर हर व्यक्ति योग का अभ्यास करेगा तो इससे जो स्पंदन निकलेंगे, पॉजिटिव वाइब्रेशन, इससे भी ये महामारी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन योग से निकलता है, क्रिया योग से निकलता है और जिस दौर से पूरा देश, पूरा ब्रह्मांड एक तरह से ग्रसित है और जिस तरीके से चल रहा है वैसे में योग सबसे कारगर हथियार है। स्वामी स्वरानंद गिरी जी ने हमें समझाया कि किस तरह से योग को हम अपने लाइफस्टाइल में अपनाकर अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं और कोरोना जैसी जो विपदा हमारे सामने आई है योग के जरिए हम उससे लड़ सकते हैं और इसे दूर भगा भी सकते हैं। तो योग आप जरूर अपनाएं और हमारे योग सत्र में हमारे खास मेहमान ईश्वरानंद गिरी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दूरदर्शन की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।